देखो अंकल, जब हम यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे आए थे तब मेरी उम्र 9 साल की थी। मुझे जंगल में रहते रहते 10 साल हो चुकी है। मेरे जे ही माँ बाप हैं, सब कुछ है। मेरे माँ बाप ने मुझे छुड़ाया नहीं है, मेरी पकड़ हो के आई थी। कहाँ से आए थे आपकी पकड़ों के? हम दिल्ली से, न्यू दिल्ली। आप नई दिल्ली के हैं? यस, तो क्या हुआ था कहानी? कहानी, मुझे कुछ गुंडों ने उठाया, उठाने के बाद मेटाडोर में रखा। उसके बाद मुझे मालिक के पास ले आए, बोले कि इसकी फरौती लेनी है और इसका रुपया तुम्हें मिलेगा। मालिक ने कहा ठीक है, हम इस बच्चे को ले लेंगे। फिर उसके बाद मेरे बाबा अपने कोशिश तो बहुत करी छुड़ाने की, लेकिन उन्होंने, जो बीच के जो दलाल होते हैं, उन्होंने मेरा रुपया खा लिया। उसके बाद फिर हम छूट नहीं पाए, ऐसे ही फिर हम जंगल में बने रहे, रात में हथियार थाम लिया और हम भी डकैत हो गए। क्या करें, अब कैसी लग रही है जंगल की जिंदगी? जंगल की जिंदगी अच्छी लग रही है। अब हम खुद राजा हैं इस जंगल की। पहले हम घर पे थे, लेकिन अब जंगल की राजा हैं खुद। आपने यहाँ शादी भी हो गई आपकी? किस्मत की बात है अंकल जी, पहले हमारा हम अपहरण भाव तो, अब हम दुनिया को अपहरण करा। तो ये जो आपकी पत्नी है वो भी क्या आपने अपहरण करके लाई है? नहीं, ये तो अच्छा खुद मर्जी का काम। अच्छा हम बिने पसंद आए और बिने हम पसंद आए शादी हो गई। ये एक बार बताए, जंगल की जिंदगी कैसी लगती है? मतलब अच्छाई क्या है, और उसको कभी कभी तकलीफ भी होती होगी क्या? देखो अंकल, आदमी जो बदमाशी करता है किसी मजबूरी के कारण, उसको बदमाशी को कराता है। आदमी को बदमाशी पुलिस और शासन और जो समाज होता है, समाज बागपन कराता है आदमी को। आदमी बागपन थोड़ी करता है, उसकी मजबूरी बागपन करती है। तुमने मेरा भाई मार दिया, मैंने फरार हो गया मैं यहाँ पे। तुमने मेरी खेती लिखा ली, मैं बागपन कर रहा हूँ यहाँ पे आके, इसलिए आदमी फरार हो जाता है। आदमी का कोई कसूर नहीं है, हालात हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आदमी को मजबूरन अपने हाथ में हथियार पकड़ना पड़ता है, और जब तक हथियार नहीं पकड़ता तब तक उसको अपना हक मिलता नहीं है। हथियार से हक मिलेगा? हाँ, हथियार से हक मिलेगा। क्या बात कही।